नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम में से कौन है ऐसा जो पतला नहीं होना चाहता? हम सभी चाहते हैं फिट एंड फाइन रहे हमेशा, मगर फिर भी आज तक की बढ़ती हुई समस्या है वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ये हेल्थ के प्रति एक दोष है। जिसका वेट बढ़ा होता है, वेट ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, उसको कभी हेल्दी इंसानों में नहीं गिना जाता। दोस्तों, हम बात करेंगे कि आप बहुत आसानी से अपने वेट को कंट्रोल कैसे करो, ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज की वीडियो में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो सकता है अगर आप मेरी बात माने। आपने करना क्या है दोस्तों, ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर डॉक्टर्स दुनिया में कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतना मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, एक टाइम का खाना छोड़ दो, रोटियाँ कम कर दो, है ना। तो जब लोग खाना कम करने के लिए कहते हैं, मगर मैं आपको जो एडवाइस करूँगा, मैं कहूँगा खाना कम मत करो, जितना खाना है उतना खाओ, मगर जो मैं कहता हूँ वो खाओ। जी हाँ दोस्तों, पहला उपाय तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जो डाइट है उसको बदल दें और उसको नेचुरल कर दें। जब आप नेचुरल खाना खाओगे तो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हेल्दी, अच्छा फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। जितना मर्जी खा लो मगर पेट खाली लगेगा। नेचुरल फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, जूस पियो, नारियल पानी लो, या लस्सी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें, लिक्विड लो, नींबू पानी लो। अगर आप अपने सारे खाने को चेंज करके नेचुरल डाइट पे आ जाते हो तो मेरा प्रॉमिस है आपका वेट ज़रूर कम होगा। दूसरा टिप दोस्तों आपको देना चाहूँगा, दोस्तों अगर आप रोटी भी खाते हैं तो जैसा कहा जाता है कि रात की रोटी कम कर दी जाए, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, आप खाना जो खाना चाहते हैं तसल्ली से खाएं, आराम से खाएं, मगर जैसे मैं बताता हूँ वैसे खाएं। दोस्तों, आपने खाना खाना है, आपने जो रोटी की बाइट लेनी है वो छोटी लेनी है। कोशिश करना है कि जब आपने उस बाइट को खाना है तो हर एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है, 32 टाइम्स चॉ करना है उसको, ताकि वो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए और आराम से उसका एक सीरा बन के, लिक्विड बन के बॉडी के अंदर जाए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो खाने में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे खाना खाने में, मगर आपके दिमाग को सही समय से संदेश मिल जाएगा कि कितना खाना खाना है और आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट बंद हो जाएगी और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा रेकी, योगा, मेडिटेशन, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हो। जी हाँ, मेडिटेशन से वज़न कम होता है, योगा से तो हम सभी जानते हैं वज़न कम होता है, रेकी से भी वज़न कम होता है। कैसे दोस्तों, वज़न बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशान रहना, दुखी रहना, इमोशनल रहना। हम देखते हैं कि हमारी माताएं और बहनें ज़्यादातर किसी ना किसी स्ट्रेस में होती हैं, घर, फैमिली, परिवार, कुछ ना कुछ चीज़ें उनको दबा के रखती हैं, वो खुल नहीं पाती, अपनी बात बोल नहीं पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आप देखो हमारी माताओं और बहनों की डाइट कितनी रहती है, थोड़ी सी डाइट रहती है, एक रोटी भी नहीं खाती शायद वो, मगर शरीर उनका ऐसा फूल जाता है। दोस्तों, खाने की वजह से नहीं फूल रहा, वो इम्बैलेंसेस हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, इस वजह से बॉडी फूल रही है, उनके शरीर में जान नहीं है। मगर तो दोस्तों, रीकी के माध्यम से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। जब भी हम इनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा ऑरा, हमारे सातों चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां या वेट हम गेन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर रीकी सीखेंगे तो रीकी की मदद से आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, जिस वजह से आपको बैलेंसिंग मिलना शुरू होगी और आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं, जैसे आप ये क्रिस्टल देख पा रहे हो, ये 7 चक्रा स्टोन है। दोस्तों, एक ये भी माला है, 7 चक्रा की माला है, कुछ लोग इसको नवरत्न स्टोन कहते हैं, नवरत्न माला कहते हैं। ये माला भी आपके सातों चक्रास को बैलेंस रखने में मदद करती है। इस माला के माध्यम से आपके चक्र हेल्दी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बैलेंस होते हैं। इससे भी आपको मदद मिलती है आपका वेट बैलेंस करने के लिए। दोस्तों,
अगर आप अपना वेट बैलेंस करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो हमारी दी हुई एडवाइस को ज़रूर मानिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे ऑल दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल पाए।